गाजीपुर कुपवाड़ा के कश्मीर में शहीद मेजर विकास सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सेना के जवानों द्वारा ताड़ी घाट लाया गया, जहां भारी संख्या में उमड़े जनसैलाब ने उनकी शहादत पर उन्हें सलाम किया। इस अवसर पर सेना के जवान, जिला प्रशासन के अधिकारियों और जनपद के राजनीतिज्ञों ने भी शहीद मेजर के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्जित कर श्रद्धांजलि दी। लगभग एक घंटे घर पर रहने के बाद शहीद मेजर का पार्थिव शरीर गाजीपुर के शमशान घाट पर लाया गया, जहां सेना के जवानों द्वारा उन्हें सैनिक सलामी दी गई और उनके चाचा ने नम आंखों से मेजर विकास को मुखाग्नि दी। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट गाजीपुर एसपी सिंह ने बताया कि बीते 14 अप्रैल को शहीद मेजर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के माछल सेक्टर में जब कॉम्बिंग कर रहे थे, उसी दौरान एक सैनिक के फिसल जाने के बाद उसको बचाने के चक्कर में इनकी जान चली गई। इस दुखद घटना के बाद कल मेजर विकास के घर सूचना दी गई थी और आज देर शाम उनका पार्थिव शरीर वाराणसी होते हुए उनके पैतृक गाँव ताड़ी घाट पहुँचाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि मेजर को शहीद का दर्जा दिया गया है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 20 लाख रुपए उनकी पत्नी के लिए और 5 लाख रुपए उनकी माताजी को, यानी कुल 25 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार दिया गया है और बाकी सेना की तरफ से जो भी दिया जाएगा वह केंद्र सरकार की तरफ से आएगा। वहीं मौके पर मौजूद क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि यह अच्छी बात है कि मेजर को ऑन ड्यूटी दुर्घटना के बाद शहीद का दर्जा दिया गया है और क्षेत्र में नौजवान उसकी शहादत को ना भूले कि एक सैनिक की जान बचाने के लिए सेना का एक मेजर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, यह भी एक बड़ी मिसाल है। बाइट ओम प्रकाश व्यू। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए गाजीपुर सहित आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। गाजीपुर से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।